नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा शर्मा। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। नसरुल्लागंज में भुजरिया पर्व पर निकाला चल समारोह। सागर जिले के विद्यासागर बांध में डूबने से हुई युवक की मौत। उज्जैन जिला प्रशासन दो दिन पहले ही अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए एक ही दिन में 105 अपराधियों पर रासुका लगाकर जिला बदल की कार्यवाही करते हुए अपनी ही पीठ थपथपाई थी, किंतु माकड़ों थाना क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि कई बेगुनाह पर भी कार्यवाही कर दी, जिसमें 65 साल के बुजुर्ग भी शामिल है और अन्य 6 लोग ऐसे है जिन्होंने कभी पुलिस थाने का मुंह तक नहीं देखा। आज इसी बात को लेकर माकड़ों निवासी विधायक अनिल फिरोजिया से मिलने पहुंचे और अपनी आपबीती बताई। दो दिन पहले ही उज्जैन एसपी और कलेक्टर ने संयुक्त प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी थी कि जिले के अलग अलग थानों में 105 अपराधियों को एक दिन में जिला बदर किया गया है। उन पर शांति भंग करने और आदतन अपराधी होने को लेकर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्यवाही की गई थी, लेकिन माकड़ों थाना अंतर्गत आज कई रहवासी उज्जैन पहुंचे और क्षेत्रीय विधायक से पुलिस की गलत कार्यवाही की बात बताई। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने जिन माकड़ों के जन 7 लोगों पर जिला बदर की कार्यवाही की है, उन सभी पर आपसी पारिवारिक विवाद के कारण FIR दर्ज हुई है। साथ ही उनमें से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग भी है। इसके अलावा जिन पर जिला बदर की कार्यवाही हुई है, उन सब पर ही पहले ही FIR है और सभी पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। आक्रोशित ग्रामीणों को विधायक अनिल फिरोजिया ने समझाया और गृह मंत्री सहित उज्जैन कलेक्टर और SP से बात भी की, लेकिन दोनों ही निर्वाचन मीटिंग के चलते भोपाल थे। अब अगर ये बात सही है कि जिला बदर में ऐसे भी लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं जो बेकसूर हैं, तो बात बिल्कुल गलत है। इस पर विधायक ने भी कार्यवाही की बात की है। गेड़ी ग्राम माकड़ोन में थाना माकड़ोन, वहाँ के निवासी हैं सब ये लोग आए हैं। एक परिवार के 2 लोग लड़े और FIR हुई और फिर 4 दिन बाद दूसरी FIR होती है, और 4 दिन बाद जो FIR हो रही है वो व्यक्ति सब थाने पे बैठे हुए थे, उनके नाम उसी समय लिखे गए। तो एक समय में 2 जगह व्यक्ति कैसे रह सकता है, पहला। दूसरा, जिनके ऊपर FIR हुई उन एडिशनल SDOP को जांच के लिए दिया गया, SDOP ने जांच के आदेश कर दिए। 3 लोगों को बुलाया, 3 लोगों को बुला के उसमें से 2 को छोड़ते हैं और 1 को अरेस्ट करके रासुका लगाते हैं, और मालूम पड़ा दूसरे दिन 7 व्यक्ति और उनके ऊपर भी रासुका लगाई जाती है। तो जिनके ऊपर प्रकरण ही नहीं है, जो निर्दोष है, एक ही प्रकरण हुआ जिनके ऊपर, जो पहली बार थाने गए हैं उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई करना, ये कहाँ का न्याय है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में भुजरिया पर्व धूमधाम से मनाया गया। भुजरिया की पूजा अर्चना करने के बाद धूमधाम से चल समारोह भी निकाला गया। चल समारोह में महिलाएं श्रावणी गीतों के साथ और युवा ढोल ताशे की थाप पर डंडे लड़ाते हुए चल रहे थे। सभी लोगों ने नदी व तालाब के किनारे पहुंचकर भुजरिया का विसर्जन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने एक दूसरे को भुजरिया देकर पर्व की बधाई दी। नरसिंहपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में सड़क निर्माण की मांग को लेकर पहुंचा 61 वर्षीय बुजुर्ग किसान, जिसे अपनी फरियाद करना इतना महंगा पड़ा कि कलेक्टर ने धारा 151 के तहत सीधा जेल भेज दिया। मामला किसान प्रमोद पुरोहित अपने गांव खुरपा से चिलांचोन की 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कलेक्टर ने शांति भंग और शराब का नशे का आरोप लगाकर बिना MLC कराए धारा 151 के तहत सीधा जेल भिजवा दिया और 4 दिन तक जमानत भी नहीं होनी थी। किसान के मुताबिक ना तो जीवन में कभी शराब पी और ना ही शांति भंग की। किसान का दावा है कि घटनाक्रम के दौरान CCTV फुटेज देखकर निष्पक्ष जांच की जाए। कलेक्टर अभय वर्मा ने मुझे बिना किसी अपराध के 4 दिन तक जेल भिजवा दिया, जो अन्याय है। यह पहला मामला नहीं है कि नरसिंहपुर कलेक्टर की मनमानी सामने आई हो। इसके पूर्व भी गन्ने के रेट को लेकर शांतिपूर्वक किसानों के आंदोलन को नरसिंहपुर कलेक्टर के आदेश पर निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी। सागर जिले के केसरी थाना क्षेत्र के विद्यासागर बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया। थाना प्रभारी KS मार्को के मुताबिक आशिक खान ने डायल 100 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस बल ने गांव के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान मृतक देव की सेन निवासी केसरी के रूप में मर्ग कायम कर किया गया। पुलिस के अनुसार मामले की जाँच के आधार पर बांध में युवक की मृत्यु का पता लगाया जाएगा। जिला गुना मधुसूदनगढ़ की सीमा के पास ग्राम चंदेरी की नदी में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव देखकर लटेरी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला का शव नदी से बाहर निकाला। महिला की शिनाख्त करने में पुलिस को जमकर पसीना बहाना पड़ा। हालांकि बाद में महिला की पहचान जानकी बाई पति मूलचंद शर्मा निवासी शाहपुर थाना क्षेत्र मधुसूदनगढ़ के रूप में हुई। उम्र है करीब 65-70 साल की।
सर इसकी कोई जानकारी लगी है कहाँ की मेला है या किस अभी तो जानकारी नहीं पता कर रहे हैं जानकारी सर यहाँ के लोगों का कहना है कि एक डेढ़ घंटे से पुलिस को फोन लगा रहे थे और पुलिस नहीं पहुँची, एक डेढ़ घंटे बाद पहुँची, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे सूचना मिली थाना निकल गया। नसरुल्लागंज तहसील के लाडकुई आंगनवाड़ी केंद्र में शासन द्वारा चलाई जा रही अभिनव योजना में बालिका सुरक्षा को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता जोशी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। माँ भवानी मंदिर प्रांगण में बालिकाओं पर हो रही हिंसा के विरोध में नव युवक समिति ग्राम के गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि युवाओं को शपथ दिलाई गई। अभियान में कार्यकर्ता प्रत्येक घर, बाजार, मंदिर, चबूतरा, चौराहे व सार्वजनिक स्थल पर जाकर लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। इसका शासन के द्वारा चल रही अभिनव योजना के अंतर्गत ये कैंडल मार्च निकाला गया है ना, इसमें बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जन जागरूकता दिलवाने के लिए ये आयोजन किया गया। इसमें संकल्प दिलवाया कि मतलब बालिकाओं के प्रति हो रही हिंसा अपराध ना हो, इसलिए ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं पर, बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोगों ने प्रतिज्ञा की, वचनबद्ध हुए, ना तो उनके ऊपर अत्याचार सहन करेंगे ना होने देंगे, हम खुद भी महिलाओं का और बच्चों का सम्मान करेंगे। कैंडल मार्च में क्या क्या शपथें ली गई, क्या शपथ दिलवाई गई? शपथ यही महिलाओं और बच्चियों पे बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम संचालित हुआ था, उसमें हमने सबने वही शपथ ली कि महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार नहीं होने, सभी ग्रामीण जन को जागरूक किया गया, खुद जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और बेसहारा लोगों को खुद का मकान मिला, जिन्हें विधि विधान के साथ घरों में प्रवेश कराया गया। विधायक योगिता नवल सिंह बोरकर, नगर परिषद अध्यक्ष परमानंद कुशवाहा, सीएमओ चंद्रशेखर सोनेस सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधि विधान से हितग्राही रेखा बाई मनोज साकले को गृह प्रवेश करवाया गया। इंदौर की एक महिला अंधविश्वास में अपने मृत बेटे को जिंदा करने की मंशा से महाकाल से विनती करने के लिए बेटे के शव को ऑटो में रखकर उज्जैन ले आई। उज्जैन आते ही सबसे पहले रामघाट पहुंची। महिला ने ऑटो चालक को उज्जैन में अंतिम संस्कार की बात कही तो ऑटो चालक ने पुलिस थाने में सूचना कर दी। पुलिस ने मृत बेटे के शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को उसके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले आई, जहाँ अंधविश्वासी महिला ने पूरी कहानी मीडिया को बताई। महाकाल को कालों का काल कहा जाता है, लेकिन इंदौर निवासी रीता त्रिपाठी इसको लेकर इतनी अंधविश्वासी हो गई कि अपने 22 वर्षीय अमित त्रिपाठी मृत बेटे को महाकाल से फिर जीवित करने की चाह में उज्जैन ले आई, और जब वो जिंदा नहीं हुआ तो शिप्रा किनारे मृत बेटे के अंतिम संस्कार की बात करने लगी। युवक सोमवार सुबह कमरे में मृत मिला। पड़ोसी से जानकारी मिलने पर माँ वहां पहुंची और दरवाजा खुलवाया, तब इसका पता चला। महिला बिना किसी को बताए बेटे का शव ऑटो में लेकर रामघाट पहुंच गई। मंगलवार को उज्जैन जिला चिकित्सालय में उसके पोस्टमार्टम के बाद कुछ पता चल पाएगा। रीता ने पुलिस को बताया कि पति की मौत के बाद उसे दूसरी शादी कर ली थी, दूसरा पति बेटे को साथ नहीं रखता था, इस कारण वह पड़ोस नहीं किराए के मकान में रहता था, वह फूल प्रसादी की दुकान लगाता था। सोमवार को उसके कमरे का दरवाजा बंद था। पड़ोसियों से सूचना मिलने पर वह वहां पहुंची और दरवाजा खुलवाया तो बेटा बेसुध मिला। वह उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उज्जैन ले गई। दूसरे पति के कारण ही बेटे की मौत हुई है। आए मेरे बच्चे को लाइट में काले जाते, मेरा घर द्वार नहीं है कहीं। महाकाल क्यों लेके आए? यही करोगे जो भी होगा उसका। महाकाल तो महाकाल के शरण में इसको छोड़ दूंगी। नहीं, ऐसा लग रहा था आपको कि यहाँ लाएंगे तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा? विश्वास के लेके आए थे मैं तो। क्या विश्वास था? इस बाबा पे विश्वास था, काश थोड़ा सा इस माँ की दुआ सुबह खुल ले, मेरे बच्चे को सही कर दे, पर नहीं सुनने कोई ने, उस माँ काल ने भी नहीं सुनने। ये अमित त्रिपाठी नाम का एक नवयुवक है जिसकी अपनी जिससे अपनी माता रीता त्रिपाठी मृत अवस्था में इंदौर झींसी चौराहे से उज्जैन रामघाट के लिए ले आई। क्या आगे प्रोसेस चल रही है? अभी आज इसका इसके परिजन आ गए हैं, इसके दूसरे जो पति है वो रिंकू शर्मा जी भी आ गए हैं और इनके परिजन आके अभी पीएम करवाएंगे, बाद में आगे की जांच की जाएगी। उज्जैन लाने का पूछताछ हुई तो क्यों बताया, क्या बताया उसने? उसमें यही बताया कि हम यहाँ पर पूजा करने पहले आया करते थे, तो ये पवित्र नगरी है, यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार वगैरह करने का ऐसा कुछ विचार था उनका। अभी की खास खबरों बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।